हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अधेड़ की लाठी से पीट पीट कर की हत्या, फैदानी गांव के समीप मिला शव। पुलिस थाना क्षेत्र के फैदानी गांव के समीप गावेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार के पास सोमवार को सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि चांदूर सरपंच जितेंद्र सिंह ने फोन कर घटना की जानकारी दी कि अज्ञात व्यक्ति का गावेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार के समीप झाड़ियों में शव पड़ा है। सूचना पर सांचौर पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, रानीवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक रतन लाल, थाना अधिकारी मनीष सोनी, रानीवाड़ा थाना अधिकारी पद्मा राम, राम सिंह थाना अधिकारी अरविंद पुरोहित मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान फैदानी गांव निवासी मंगला राम पुत्र भूभाजी जाति भिल उम्र 41 के रूप में हुई। पुलिस ने घटना स्थल पर मौका मुआयना कर शव को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। ऐसे दिया हत्या को अंजाम। मंगला राम भिल की हत्या लाठी से पीट पीट कर की गई है। शव के पास खून से सनी लाठी भी मिली है। हालांकि अभी तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या करने का शक जताया, जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। मृतक देर रात किसी काम से बाइक लेकर घर से निकला था। घटना स्थल के पास बाइक भी मिली है और खून से सनी लाठी भी मिली है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अनुसंधान जारी है तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी हुई है। जागरूक टीवी के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।